मूवी की स्टार्ट होते ही हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम मिकी होता है। उसके साथ में ही एक और बैग और एक बेसबॉल बैट पड़ा हुआ है। फिर कुछ देर के बाद एक आदमी अंदर से भागो भागो कहते हुए चिल्लाते हुए आता है। वो अपनी गन से घर के अंदर गोलियां भी चला रहा था। तब मिकी जो की घर के बाहर बैठा हुआ था वो उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ से भाग जाता है। अब जो आदमी अंदर से आया था उसका नाम बेन होता है। हमें बताया जाता है कि ज़ॉम्बीज की वजह से इस दुनिया में कोई इंसान नहीं बचा सिवाय इन दो लोगों के। अब बेन अपनी परवाह ना करने वाला इंसान था और बेसबॉल बैट उठाकर जहाँ उसका करता था वो वहीं पर चला जाता था। लेकिन उसका जो फ्रेंड होता है यानी मिकी वो तो बिल्कुल अलग होता है उससे। यानी वो वॉकमैन इस्तेमाल करने वाला, एक्स्ट्रा बैटरी साथ रखने वाला और अपनी परवाह करने वाला इंसान था। इसके बाद ये दोनों पूरे शहर के अलग अलग घरों में जाते हैं। अब उन घरों में कोई भी नहीं होता, लेकिन अगर किसी घर में ज़ॉम्बी दिख जाए तो उन्हें सिर्फ बेन ही मारता था। लेकिन मिकी में इतनी हिम्मत नहीं होती। ये अलग अलग घरों में जाकर अपनी जरूरत का सारा सामान इकट्ठा करती है। ये अपना टाइम कुछ इस तरह से गुजारती है कि रोड पर लेट जाती है और कभी नदी में पत्थर फेंक कर एंजॉय करती है। इसके बाद जब वो थक जाती है तो रिलैक्स करती है और इस तरह से ही उनका टाइम गुजर रहा था। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते उन्हें एक बड़ी सी गाड़ी दिखाई देती है। अब बेन अपनी गन लेकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ता है। वहाँ ड्राइवर सीट पर कोई बैठा होता है और वो एक ज़ॉम्बी औरत होती है। अब वो ज़ॉम्बी आहिस्ता आहिस्ता उठकर बेन की तरफ बढ़ती है तो बेन उसे शूट करके मार देता है। फिर वो उस गाड़ी के अंदर जाकर उसे स्टार्ट करके देखता है। तब लकीली वो गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इतने दिन से वो पैदल ही घूम रही थी और अब उन्हें गाड़ी मिल गई। बात करते करते मिकी बेन से कहता है कि चलो मेरी फ्रेंड ही घर चलती है। अब ये दोनों उस गाड़ी के जरिए मिकी की फ्रेंड के घर जाते हैं तो वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि वो लड़की तो कब की मर चुकी है। मिकी उस घर में जाकर उस लड़की के कमरे में जाकर बैठ जाता है। वो उन सभी मोमेंट्स को याद करता है जो कि उसने अपनी फ्रेंड के साथ गुजारी थी। मिरर पर उसकी कुछ पिक्चर्स भी लगी होती है जिन्हें मिकी उतार कर अपने पास रख लेता है। तभी दूसरी तरफ बेन पूरे घर में जरूरत का सामान ढूंढने लगता है। तब उसे वहाँ पर दो वॉकी टॉकी, एक चेयर और एक पेट्रोल कैन मिलता है जिन्हें वो अपने पास रख लेता है। फिर और ढूंढने पर उन्हें वहाँ पर एक टूथपेस्ट मिल जाती है। अब क्योंकि वो उन्हें काफी टाइम की बात मिली थी इसीलिए वो ब्रश करती है। इसके बाद बेन अपनी लाई हुई गाड़ी को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सीट को मोड़ने से लेटने की जगह बन सकती है। तो इस गाड़ी में दो लोगों के रहने की जगह है और हम यहीं पर ही रहेंगे। मिकी उसे घर में रहने का सोचता है। तब बेन उसे समझाते हुए कहता है कि जैसा तुम चाह रहे हो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम यही रहे तो मर सकते हैं। 3 महीने हम एक ही घर में फंस कर रह गए थे। भूल गए हो क्या? तुम्हें याद नहीं है? ये बात भी भूल गए कि हमने डॉग का खाना खाया था और एक टाइम ऐसा आया था कि हमने डॉग को ही खा लिया था और यहाँ पर आकर अगर बहुत सारी ज़ॉम्बीज ने हमें घेरा डाल दिया तो बस हम तो गए। अब ये सब सुनने के बाद मिकी फिर से पूछता है कि हम यहाँ पर रह सकते हैं। इस बार बेन गुस्सा होकर उस पर चिल्लाता है। इसके बाद वो लोग दोबारा से गाड़ी को जंगल में लेकर चले जाते हैं। फिर एक दिन मिकी वो वॉकी टॉकी जो उसने अपने फ्रेंड के घर से उठाई थी उसने बैटरी डालकर चेक करता है कि आखिर कितनी दूर तक वॉकी टॉकी काम करेगा। तभी एक दूसरी फ्रिक्वेंसी से उन्हें किसी की बातें करने की आवाज़ें आने लगती है यानी कोई दो लोग आपस में बातें करते हुए सुनाई देते हैं। जहाँ पर एक आदमी एक लड़की को ऐनी कहते हुए उसे बातें कर रहा था। ये सारी बातें सुनकर मिकी उनसे बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर मुझे कोई सुन रहा है तो मुझसे बात करो। तभी वो आदमी जो उस लड़की से बात कर रहा था उसे कहता है कि कौन हो तुम? तब मिकी कहता है कि यहाँ पर दो लोग हैं, मेरा नाम मिकी है और मेरे दोस्त का नाम बेन है। तुमने गाड़ी को भी ढूंढ दिया है। ये बात वो बहुत खुशी से बता रहा होता है। तो वो आदमी जो वॉकी टॉकी पर बात कर रहा था वो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि आइंदा मुझसे कॉन्टेक्ट मत करना। तब मिकी ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। हम लोग बहुत सारे काम करते हैं जैसे कि मछलियाँ भी पकड़ती है, खाना भी बना सकते हैं। वो उससे काफी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमें भी अपने साथ ले लो। तो वो आदमी कहता है कि यहाँ पर पहले ही बहुत सारे लोग हैं, उनके रहने के लिए जगह नहीं है तो मैं तुम्हें कहाँ एडजस्ट कर लूँ। ये भी कहता है कि मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करो, चले जाओ यहाँ से। फिर वो अपने साथ वाली लड़की यानी एनी से भी कहता है कि तुम मिकी से बात नहीं करोगी वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। ये उसे धमकी लगा रहा होता है। तब एनी भी कहती है कि ठीक है आइंदा से मैं बात नहीं करूंगी। अब मिकी ये सारी बातें सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है। मिकी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन लोगों को ढूंढ कर रहूंगा। तब बेन उसे कहता है कि ठीक है ढूंढ लेना अगर तुम उन्हें ढूंढना चाहते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। अब 2-3 दिन के बाद मिकी दोबारा उस वॉकी टॉकी में एनिमल से बात करो कहकर चिल्लाता रहता है। तब बेन खाते हुए उसे जवाब देता है कि तुम इतने दिनों से उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही हो लेकिन उन्हें तो तुम्हारी परवाह भी नहीं है इसीलिए तुम इस वक्त छोड़ दो। मिकी उसे कहता है कि उस आदमी ने मुझे कहा था कि यहाँ पर रहने के लिए तुम्हारी जगह नहीं है तो जरूर वो किसी होटल में रुके हुए होंगे। तब ये सोचकर वो लोग सारे होटल्स को चेक करते हैं। मिकी जब एक रूम का दरवाजा खोलता है तो अंदर से दो ज़ॉम्बीज बाहर आते हैं। तब बेन जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल के मिकी को गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहता है। वो अपनी बेसबॉल बैट लेकर मिकी से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसा ही होगा और तुमने मेरी बात नहीं मानी। वो चिल्लाते हुए उस ज़ॉम्बी को मारने लगता है। कुछ देर बाद उन दोनों ज़ॉम्बीज को जान से मार देने के बाद वो गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे बेन वाटरफॉल में मजे से नहा रहा होता है तभी एक ज़ॉम्बी लड़की आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी के पास आ रही होती है। उस गाड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था इसीलिए वो ज़ॉम्बी लड़की हाथ अंदर डालकर मिकी
मिकी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से मिकी की आंख खुल जाती है। वहाँ से हटकर दूसरी तरफ हो जाता है। जल्दी से वॉकेटों की निकाल कर बेन को बुलाने की कोशिश करता है। अभी मिकी उस ज़ॉम्बी लड़की को देख ही रहा होता है कि अचानक से उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। किसी और ने नहीं बल्कि बेन ने ही उस पर गोली चलाई थी। ये देखकर मिकी काफी शॉक हो जाता है। इसके बाद वो वहाँ से निकल कर करीबी वाली कुछ जगहों पर जाते हैं। पहले वो एक स्कूल में जाती है, लेकिन हमेशा की तरह वहाँ पर भी कोई नहीं होता। फिर वो एक घर में जाती है और वो घर भी बिल्कुल खाली होता है। अब मिकी चाहता था कि वो भी इसी तरह के घर में रहे और एक नॉर्मल लाइफ गुजारे बाकी इंसानों की तरह। इसीलिए वो पास आकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज रात तो हम यहीं पर ही रुकेंगे। उस रात मिकी सोने से पहले फिर से वॉकी टॉकी उठाकर बोल रहा होता है कि एनी तुम हो, प्लीज मुझसे बात करो। तो वो लड़की आगे से जवाब देती है कि अगर मैं तुमसे बात करूंगी तो इन लोगों को पता चल जाएगा और वो मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे, इसीलिए प्लीज मुझसे बात मत करो। उधर बेन गाली सुनता हुआ डांस कर रहा होता है, लेकिन उसके हाथ में पिस्टल भी होती है। घर के बाहर जंगल की तरफ जाने लगता है। वहाँ जाकर वो एक ज़ॉम्बी को देखता है जिसे कि बांधा गया था। अब बेन आराम से उसके पास जाकर बैठ जाता है और सिगरेट पीती हुई उसे देख रहा होता है। फिर वो ज़ॉम्बी को खोलकर उसे खींचते हुए मिकी के रूम में छोड़कर बाहर से दरवाजा बंद कर लेता है। और ज़ॉम्बी आ गया कहकर चिल्ला रहा होता है। तब मिकी डरकर दरवाजा खोलने का कहता है, लेकिन बेन तो दरवाजा खोलता ही नहीं और वो तो उल्टा हंस रहा होता है। फिर कुछ देर के बाद वो दरवाजा खोलकर देखता है कि मिकी की पूरी बॉडी पर खून लगा हुआ है और साथ में वो ज़ॉम्बी मरा हुआ पड़ा है। अब बेन यहाँ मिकी को कहता है, अरे वाह तुमने तो ज़ॉम्बी को मार दिया, ये कहकर वो हंसने लगता है। अब मिकी को तो पहले ही गुस्सा आता है, इसीलिए वो बेन को पकड़ कर उसे भी मारने लगता है। ऐसा करने के बाद वो घर से बाहर निकल जाता है। अब बेन भी उसके पीछे पीछे जाता है। मिकी थोड़ी दूर जाकर रोने लगता है। वो कहता है कि कल रात मैंने उस लड़की से बात की, लेकिन उसने मुझे कहा कि प्लीज मुझसे बात मत करो। वो दोबारा से अपनी जिंदगी वैसे ही गुजारने लगती है। जब वो मेन रोड पर जा रही होती है तभी उन्हें सामने खड़ी हुई एक गाड़ी दिखाई देती है। दोनों उस गाड़ी से पेट्रोल निकालने के लिए उसे खोलते हैं। मिकी बेन से कहता है कि गाड़ी बहुत गर्म है, इसका मतलब ये है कि अभी इस गाड़ी को कोई यहाँ पर खड़ा करके गया है। बेन चिल्लाकर कहता है कोई है यहाँ पर, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन जब वो उसका पेट्रोल टैंक चेक करती है तो उसमें तो पेट्रोल ही नहीं होता। और तभी एक आदमी मिकी की गर्दन पर चाकू रख देता है। तब हड़बड़ाते बेन अपनी पॉकेट से अपनी गन निकाल लेता है। तभी वो आदमी बेन से कहता है कि अपनी गाड़ी की चाबी मुझे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब बेन फौरन उसे कहते हैं कि हमारी बात तो सुनो, अगर हम सब मिलकर रहे तो ही सर्वाइव कर सकते हैं। तब ये सुनकर वो आदमी कहते हैं कि उन लोगों ने भी मुझे ऐसे ही कहा था, लेकिन फिर बाद में मुझसे ऐसे बिहेव किया जिसे मैं इंसान ही नहीं हूँ। मैं सब बहुत बुरा सलूक किया, तो इसीलिए मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, मुझे बहुत दूर जाना है। इसीलिए मैं तुमसे आराम से कह रहा हूँ कि अपनी पिस्टल को पहन दो और मुझे चाबी दे दो, वरना मैं तुम्हारे इस दोस्त को मार डालूंगा। तब बेन कहते हैं कि ठीक है लो, मैं पिस्टल नीचे रख देता, चाबी तो गाड़ी के अंदर ही है। तो वो आदमी जल्दी से मिकी को छोड़कर गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाता है, लेकिन अंदर तो चाबी होती ही नहीं क्योंकि वो चाबी तो बेन के पास होती है। तो वो आदमी गुस्सा होते हुए बेन को बुरा भला कहते हुए गाड़ी से निकलकर भागने लगता है। अब बेन भी पीछे जाकर शूट करके उसको मार डालता है। तब मिकी बेन से कहते हैं कि ये क्या किया तुमने, क्यों मारा उसे, वो तो इंसान था। तो बेन कहते हैं कि इंसान जरूर था, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं था, खतरनाक आदमी था वो। तुम जानते नहीं हो कि वो हमारी गाड़ी को चलाने वाला था और उसने तुम्हें मारने की कोशिश भी की, उल्टा मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें वो जरूरी है। अभी वो दोनों बातें कर ही रही होते हैं कि तभी रोड के पीछे से एक ट्रक उनकी तरफ आ रहा होता है। तो वो दोनों फौरन अलर्ट हो जाते हैं। बेन अपनी पिस्टल को निकालकर ट्रक की तरफ कर देता है और पूछता है कि कौन है तुम लोग। वो लोग कहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह ज़ॉम्बी से बचे हुए सर्वाइवर हैं। तभी ट्रक में से एक लड़की और हाथ में एक बड़ी सी गन ली हुई एक आदमी उतरता है। और वो गाड़ी जो पेट्रोल खत्म होने की वजह से वहाँ पर रुकी हुई थी, वो लड़की उसे घूरने लगती है और पूछती है कि इस गाड़ी को चलाने वाले आदमी को आपने देखा है क्या और वो कहाँ है। तब बेन कहता है कि उसने थोड़ा तंग किया था इसीलिए हमने उसे मार दिया। तो वो पूछती है कि मरने से पहले क्या उसने कुछ कहा था। तब बेन कहता है कि उसने अपने घर जाने के लिए हमारी गाड़ी छीनने की कोशिश की थी, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा। तो वो लड़की कहती है कि ये गाड़ी उसने कहाँ से ली थी, इस बारे में कुछ बताया उसने। अब वो लोग अपने बारे में तो कुछ नहीं बताते, लेकिन बेन और मिकी से बड़े ध्यान से सवाल कर रही थी, यानी वो लोग ये कंफर्म कर लेती है कि इन्हें कुछ नहीं पता। फिर वो कहती है कि ये गाड़ी तो हमारी थी और वो हमसे चुरा कर ही ले गया था और बहुत अच्छा हुआ कि आप लोगों ने हमारी गाड़ी को बचा लिया। तभी मिकी उसके पास जाकर उसे पूछता है कि आपका नाम एनी है। अब एक सेकंड के लिए तो वो लड़की चुप रहती है, लेकिन फिर वो उसे पूछती है ये तुम क्या पूछ रहे हो। वो उसे दोबारा पूछता है तुम ही हो ना एनी। फिर वो उसे ये भी कहता है कि मैं आपसे बहुत बार वॉकी टॉकी पर बात भी कर चुका हूँ। लेकिन तभी अचानक से वो लड़की पिस्टल निकाल कर बेन के पांव पर शूट कर देती है। पीछे खड़ा हुआ आदमी भी बेन को अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है। वो लड़की यानी एनी भी गन लेकर मिकी के पास आती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे ढूंढने की या मुझसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश मत करना। फिर वो पिस्टल दिखाकर उसे गाड़ी की चाबी मांगती है और वो उस गाड़ी की चाबी
को वहाँ खेत में फेंक देती है और कहती है कि हमारी बात उस चाबी को ढूंढ लेना। उनके जाने के बाद मिकी उस चाबी को ढूंढने के लिए खेत में चला जाता है। तब देखते ही देखते वहाँ पर अंधेरा छा रहा था, लेकिन चाबी अभी भी नहीं मिली थी। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्योंकि रात होने वाली है इसीलिए वो चाबी को कल ही ढूंढेंगे। इसके बाद वो दोनों गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। रात को जब वो सो रही होती है तो उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है, आंख खुल जाती है। फिर वो नाइट से रोड पर देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं जो आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी गाड़ी के पास ही आ रहे हैं। तब मिकी फौरन घबराते हुए कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन गाड़ी की चाबी तो होती नहीं क्योंकि वो तो खेत में गिरी होती है। तब बेन कहता है कि मैं कैसे भाग सकता हूँ क्योंकि मेरी टांग पर तो चोट लगी हुई है। वो मिकी से कहता है सिर्फ तुम ही बचकर निकल सकती हो, इसलिए तुम यहाँ से बचकर भाग जाओ। तब मिकी कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमारी गाड़ी को गिर चुकी है, इसीलिए गाड़ी में रहना ही हमारे लिए सेफ होगा। सुबह उठकर वो देखते हैं कि गाड़ी के बाहर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनको देख रहे हैं और अपने हाथों को शीशे पर रगड़ रहे हैं और वो सोच रही होती है कि आखिर गाड़ी से कैसे निकला जाए। दोनों गाड़ी के अंदर बुरी तरह फंस चुकी है। अब बेन गुस्सा होकर मिकी से कहता है कि तुमने उसे ऐनी कहकर परेशान किया और इसी वजह से आज मेरी टांग का ये हाल है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तब मिकी कहते हैं कि हम गाड़ी को दो वायर से कनेक्ट करके स्टार्ट नहीं कर सकते जैसा कि फिल्मों में होता है। तब बेन कहते हैं कि ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, सिर्फ फिल्मों में ही होता है, और अगर गाड़ी की वायर को खींचा तो गाड़ी खराब हो सकती है और अगर बाद में चाबी मिल भी गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब वो सोचती है कि गाड़ी के अंदर पड़ी हुई पानी को वो कितने दिन चलाएंगे, एक आदमी कितने दिन ये पानी पी सकता है। अभी सारे ज़ॉम्बीज गाड़ी से बाहर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे जो कि मिकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो सारी विंडो को ब्लैंकेट्स और कपड़ों से कवर कर देता है ताकि वो ज़ॉम्बीज उन्हें देख ना पाए। अब वो अंदर ड्रिंक करते हुए स्मोकिंग करते हुए बड़े मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, इस बात की परवाह किए बगैर कि बाहर क्या चल रहा है। वो ताश भी खेलते हैं, सिंगिंग करके एंजॉय भी करते हैं। फिर बेन मिकी को काफी इंसिस्ट करता है और उसे कहता है कि जाओ तुम चाबी ढूंढो, मुझे पता है कि तुम चाबी जरूर ढूंढ लाओगे। समझाता है कि अगर तुम्हें बाहर जाकर भी चाबी ना मिली तो यहाँ से भाग जाना, यहाँ वापस मत आना, ज़ॉम्बीज ने आकर वापस मत फंस जाना। फिर मिकी उसे कहता है कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं वापस जरूर आऊंगा। अब चाबी को लाने के लिए मिकी सनरूफ खोलकर बाहर निकलता है। टाइम गुजरता जाता है और यहाँ पर बेन फर्स्ट टाइम तन्हाई को महसूस करता है। काफी टाइम गुजर जाता है लेकिन अभी तक मिकी वापस नहीं आता। तब बेन सोचता है कि शायद अभी भी वो चाबी ढूंढ रहा होगा। अब वो मिकी के आने तक किसी भी तरह घर के टाइम को गुजारने का सोचता है। वो बॉल से खेलता है, स्मोकिंग करता है, लेकिन उसे टाइम नहीं गुजरता। फिर वो सोचने लगता है कि कहीं वो मुझे बाहर से बुला तो नहीं रहा, इसीलिए वो कान लगाकर सुनता है कि कहीं बाहर से कोई आवाज तो नहीं आ रही। अब वो मिकी को काफी मिस करने लगता है, इसीलिए वो उसके वापस आने के लिए काफी प्रे करता है। अब काफी टाइम गुजर जाता है लेकिन अभी तक मिकी वापस नहीं आता। बेन पागलों की तरह सोचता है कि एक ही मेरे साथ था, उसको भी मैंने खो दिया। उसे मिकी की फिक्र होने लगती है कि कहीं वो बाहर जिंदा भी है या फिर नहीं, इसीलिए वो बाहर की तरफ चिल्लाते हुए कहता है कि मिकी वापस आ जाओ। बेन को तन्हाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी इसीलिए वो रोने भी लगता है, लेकिन तभी अचानक से बाहर से मिकी की आवाज आती है जो बेन को बुला रहा होता है। तभी सुनकर बेन बहुत खुश होता है और सनरूफ खोलने लगता है और वो फौरन मिकी को अंदर बुला लेता है। उसके अंदर आने के बाद बेन तो बहुत खुश होता है लेकिन मिकी काफी घबराया होता है। तब बेन उससे पूछता है कि क्या हुआ है, चाबी उठा ली है ना। तब मिकी बगैर कुछ कहे अपने हाथों को दिखाता है। तब बेन भी उसके हाथों को देखता है कि उसके हाथों पर ज़ॉम्बीज़ के काटने के निशान है। अब बेन पागलों की तरह चिल्लाने लगता है कि ये क्या किया मिकी तुमने। मिकी यहीं पर रोने लगता है और कहते हैं कि प्लीज मुझे किसी तरह बचा लो। अब क्योंकि बेन के पास और कोई रास्ता नहीं होता इसीलिए वो मिकी पर गन पॉइंट करके उसे काफी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मिकी तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, लेकिन बेचारा मिकी रोते हुए उसे कहते हैं कि प्लीज मेरी हेल्प करो, लेकिन बेन के पास कोई रास्ता नहीं होता और वो मिकी से कहता है कि मैं हमेशा खुश रहने वाले मिकी को ज़ॉम्बी बनते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए वो मिकी को वहीं पर शूट करके जान से मार डालता है। बेन चिल्लाती हुई कहता है कि साथ रहने वाला भी आज भी छोड़ गया। अब बेन बिल्कुल अकेला है, उसके साथ कोई भी नहीं है, बात करने के लिए भी उसके पास कोई नहीं है, वो गाड़ी से बाहर भी नहीं जा सकता। यही सारी बातें सोचते हुए वो वहीं पर बैठ जाता है। फिर वो मिकी की डेड बॉडी को बंद कर देता है। फिर बेन वॉकी टॉकी निकाल कर एनी से बात करने की कोशिश करता है। कहता है कि एनी क्या तुम मुझे सुन सकती हो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन सकती हो, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मिकी मर गया है, वो 3 महीने से मेरे साथ रह रहा था, 3 महीने से हम एक ही घर में फंसे हुए थे, फिर वहाँ से हम कैसे बचे तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, बस घर का मेन डोर खोल दिया जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज घर के अंदर घुस गए, लेकिन हम भी मौके का फायदा उठाकर घर की दूसरी तरफ से भाग गए। इतने दिनों से मेरे साथ रहने वाला भी अब बिछड़ गया और इन सब की वजह तुम हो, और मैं जिस तरह उस घर से बचकर निकला यहाँ से भी बचकर निकलने की कोशिश करूंगा लास्ट टाइम, अगर उस कोशिश में मैं हार गया तो मैं खुद को ही शॉट करके मार डालूंगा, और अगर मैं इस गाड़ी से सही सलामत बाहर निकल कर आ गया तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों में लिखी होगी। ये बोलकर वो गाड़ी से निकलने की सारी तैयारियां करने लगता है। अब वो विंडोज पर से कपड़ा हटाता है ये दिखने के लिए कि आखिर ज़ॉम्बीज कहाँ जा रहे हैं। साथ साथ वो मिकी की वॉकमैन भी पहन लेता है। वो गाड़ी के पीछे वाला दरवाजा खुलता है, अंदर धूप आने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद सीन कट करके हमें दिखाया जाता है कि वैन बैग को लटकाए हुए हाथ में बेसबॉल बैट पकड़े हुए एक टांग से लंगाते हुए चल रहा है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसका पीछा कर रहे हैं। और इसी सीन के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।